पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन जब बात युद्ध की होती है तो हमेशा ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि सेना को ये पता है और जानकारी है कि जब भी युद्ध स्तर पर बात होगी तो बोफोर्स का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। यानी कि बोफोर्स पर जो भरोसा है 1999 के कारगिल में जीत का परचम लहराने का, वो पूरी भारत चीन सीमा पर दिखता है। मैं इस समय हूँ सिक्किम की एक ऐसी लोकेशन पर जिसका हम नाम आपको नहीं बता सकते हैं सुरक्षा के कारणों से, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि बोफोर्स की तैयारी हर मौसम में रहती है, हर मौसम में इसको उसी तरह से तैनात रखा जाता है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। अभी जो आप देख रहे हैं वो है एक रेगुलर ड्रिल जो सेना के जवान करते हैं तैयारियों के तौर पर। बारिश हो रही है लेकिन उससे न हौसला कम हुआ है और न ही मंसूबे। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि जो सिक्किम की सीमा है वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। सिक्किम में भारत ऊंचाई पर है इसलिए चुनौती भी कई गुना ज़्यादा है। इसे यानी कि 12 टन की बोफोर्स को ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत समय लगता है और अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि अगर इस तरह से बारिश हो रही हो और भूस्खलन हो रहा हो तो इतनी भारी व्हीकल को वहाँ तक पहुँचाना कितना चुनौतीपूर्ण है। हौसले में कोई कमी नहीं है लेकिन तकनीक के साथ उस पुरानी टेक्नोलॉजी पर जो भरोसा है वो आज भी सेना का कायम है और उसी का एक उदाहरण है ये बोफोर्स। सत्रह हज़ार फुट की ऊंचाई हो या फिर 15,000 फुट की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी भी हो लेकिन भारतीय सेना हर ऊंचाई पर तैनात है भारत की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए। बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी, हर मौसम में इस तैनाती में कोई परिवर्तन नहीं आता है और न ही प्रशिक्षण में। लेकिन इस समय कोविड काल में क्या क्या चुनौतियों का सामना करने पड़ता है जवानों को, कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या प्रशिक्षण रहता है? मैं भारतीय सेना का एक जवान हूँ, सीमा पर तैनात हूँ। किसी भी मौसम में मैं अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखूँगा। मुझे अपने कड़ी प्रशिक्षण और कुशलता पे गर्व है। मैं दुश्मन की कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। देखिए, भारत और सिक्किम के बीच, यानी भारत और सिक्किम के अलोंग जो सीमा है चीन के साथ, उसमें चीन पैसा नहीं है कि पहले परेशानी नहीं कर चुका है, लेकिन इस तैनाती में ध्यान में रखना होता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत को चीन की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी पड़ती है और ऐसे में जवान तैनात रहते हैं पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर और कई किलोमीटर अंदर तक भी। ध्यान में रखा जाता है कि इनका प्रशिक्षण इतना अच्छा, इतना तगड़ा रहे कि हर मौसम में और हर स्थिति में या हर चुनौती का सामना कर सकें। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, सिक्किम, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।